हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। आज हम देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स यानी सेतु अभ्यासक्रम की हिस्ट्री की पहली टेस्ट। तो सीधे सीधे शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारी हिस्ट्री की टेस्ट कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक एक, निम्नलिखित कथनों के लिए दिए गए विकल्पों के वर्णक्रमानुसार में सही विकल्प लिखिए। तो पहला है, आधुनिक समय में ब्लैंक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, विधायिका, समाचार पत्र, न्यायपालिका, कार्यकारी बोर्ड। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के जनक, इसमें भी आपको चार ऑप्शन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, MS स्वामीनाथन और बोमिन बोरगिल। और तीसरा क्वेश्चन है, उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, तो किन्होंने की ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन है, पंडित नेहरू, ब लाल बहादुर शास्त्री, क इंदिरा गांधी और ड PV नरसिंह राव। और यहाँ पे क्वेश्चन वन का बी दिखाया गया है। तो यहाँ पे है, अगले समूह में गलत जोड़ी की पहचान करें। तो यहाँ पे हमें चार इसका समूह दिया गया है। तो पहला है लिखित साधन, दूसरा मौखिक का अर्थ मतलब मौखिक साधन, तीसरा है भौतिक साधन और तीसरा है ऑडियो। और यहाँ पे क्वेश्चन बी का सेकंड है, विश्वनाथ प्रताप सिंह आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार, अटल बिहारी वाजपेयी हरित क्रांति के जनक, PV नरसिंह राव भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बदलाव लाया। और प्रश्न क्रमांक दो है, निर्देशों का पालन करें। पहला, भारत में के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालाक्रम नुमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे चार पांच नेताओं के नाम हैं। और आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू में दूसरा, निम्न तालिका में विकसित और अविकसित क्षेत्रों को दिखाएं। तो यहाँ पे असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं। इसमें से हमें विकसित प्रदेश और अविकसित प्रदेश अलग अलग करने हैं। और क्वेश्चन नंबर थ्री है, अगले प्रश्न का उत्तर 25 से 30 शब्दों में दें, कोई दो। तो यहाँ पे किसी भी दो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहला है, अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या मांगे रखी। सेकंड है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। और थर्ड है, अखबार यानी समाचार पत्र में किस तरह की खबरें छपती हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक चार, यहाँ पे चार थोड़ा सा राइट साइड में चला गया था। इसमें निम्नलिखित औचित्य स्पष्ट कीजिए, मतलब जो हमें नीचे क्वेश्चन बताए गए उसके हमें कारण बताने हैं यहाँ पे। तो पहला है, कानून ने अस्पृश्यता की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। और सेकंड है, ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो अब मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ सारे। तो पहले इसका आंसर है समाचार पत्र यानी ऑप्शन नंबर बी मतलब ब। सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर क यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन। थर्ड का आंसर है क यानी इंदिरा गांधी। अब आगे देख लेते हैं, आगे जो समूह में से गलत जोड़ी पहचाननी है उसका आंसर है, पहले इसका आंसर है भौतिक साधन। और सेकंड जो क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रताप सिंह आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार, अटल बिहारी वाजपेयी हरित क्रांति के जनक, PV नरसिंह राव भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बदलाव। तो इसका आंसर है सी, अटल बिहारी वाजपेयी हरित क्रांति के जनक। ये विसंगत जोड़ी है इस क्वेश्चन में की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमें क्वेश्चन टू था, निर्देशों का पालन करें। तो इसमें है, भारत में निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालाक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें, SD देवेगौड़ा, राजीव गांधी, PV नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर है फर्स्ट राजीव गांधी, सेकेंड PV नरसिंह राव, थर्ड अटल बिहारी वाजपेयी, फोर्थ HD देवेगौड़ा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड है, निम्न तालिका में विकसित और अविकसित क्षेत्रों को दिखाएं। तो असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु। तो ये हमें इतने प्रदेश दिए गए, इन प्रदेशों में से हमें विकसित और अविकसित अलग अलग करने। तो विकसित के कॉलम में आएगा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और अविकसित में आएगा असम, उड़ीसा और बिहार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अगले प्रश्न का उत्तर 25 से 30 शब्दों में दे, कोई दो। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर दे रहा हूँ मैं, अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या मांगे रखी। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
मैं एक बार रीड करता हूँ, तो आंसर है पंजाब राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल अकाली दल ने वर्ष 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दे, अन्य राज्यों के पंजाबी भाषाई प्रांत पंजाब में समाविष्ट करें, सेना में पंजाबी भाषियों की संख्या में वृद्धि करें, पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दे, जैसी अनेक बातों की मांग की गई थी। अब आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 का सेकंड है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। सेकंड क्वेश्चन है, अखबार यानी समाचार पत्र में किस प्रकार की खबरें छपती हैं। तो इसका आंसर है हमें समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, राजनीतिक, कला, खेलकूद, साहित्य, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं से अवगत होते हैं। मानव जीवन से जुड़ी सभी गतिविधियों समाचार पत्र में छपती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न औचित्य स्पष्ट कीजिए। कोई भी, मतलब इसमें से कोई भी एक आप हमें यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो इसमें मैंने सेकंड वाला दिया है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, तो इसका हमें कारण लिखना है। तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर खदेड़ कर शांतता स्थापित करना ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुख्य उद्देश्य था। यह कार्य मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया। 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान प्रारंभ हुआ। इस सैनिक की कार्यवाही में भारतीय सेना ने विलक्षण संयम बरतते हुए अपना कार्य किया। भिंडार वाले यानी कि ये कोई आतंकवादी का नाम होगा शायद से, के साथ साथ दूसरे आतंकवादी भी मारे गए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।